हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कैसे हैं आप सब? तो अभी दोपहर का 1 बजा है और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो वैसे आज संडे है फ्रेंड, लेकिन मेरे मिस्टर का छुट्टी नहीं है, वो सवेरे ड्यूटी गए हैं। तो सवेरे 4 बजे उठी थी मैं टिफ़िन बनाने के लिए, करीब 4:15 बजे उठी थी और टिफ़िन बना के दे दी। वो 5 बजे चले जाते हैं और 3 बजे तक आते हैं। तो उसके बाद आज संडे है तो मैं भी और सो गई थी 5 बजे बच्चे के साथ। तो हम लोग उठे हैं करीब, आज हम लोग आराम से उठे हैं क्योंकि अभी डेली 4 बजे उठना पड़ रहा था। तो आज संडे है, बच्चे का भी छुट्टी है। तो फिर मैं 8 बजे फिर से उठी और उसके बाद मैं नाश्ता बनाई थी पोहा। मिस्टर रहते हैं तब कुछ अलग हट के नाश्ता बनता है, लेकिन आज मिस्टर ड्यूटी गए थे तो पोहा बना ली थी मैं, क्योंकि मैं मेरा बेटा भी बोल रहा था पोहा खाऊंगा, बाकी दिन तो वही रोटी सब्जी टिफिन में ले जाता है। तो पोहा बना ली थी और अभी कपड़ा वपड़ा भी धोई हूँ, आज संडे है तो बच्चे का यूनिफॉर्म वगैरह, मिस्टर का भी कपड़े वपड़े थे तो वही सब धो दी हूँ और धो के बाहर सूखने के लिए डाल दी हूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठीक है अभी, कभी भी लेकिन पानी बरस जाएगा तो हो सकता है उसको अंदर लाऊंगी। और अभी मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, 1 बजा है अभी तो, और मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। मूली और जो बड़ी होता है, ये बड़ी है जिमीकंद जो रहता है, उसका जो पेड़ रहता है मतलब उसका तना बोल सकते हैं हम, उसी का बड़ी बनता है, जिसे गांव में पोंगा बड़ी या फिर उसे हम बोलते हैं पोंगा बड़ी और क्या बड़ी बोलते हैं, एक तो और उसका नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो पोंगा बड़ी ही बोलते हैं। इसे खट्टे में बनाने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसे खट्टे में ही बनाऊंगी, थोड़ा सा टमाटर और दही डाल के, तो मूली के साथ बनाऊंगी, मूली के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है और कद्दू के साथ भी आप बना सकते हैं, उसमें भी बहुत टेस्टी लगता है, कोई भी खट्टा सब्जी है। और इस बड़ी की जगह हम कद्दू की बड़ी भी बना डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कद्दू जो है खट्टे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसका बड़ी को भी कभी कभी उसका बड़ी को डाल के बनाती हूँ। तो आप जरूर ये वाला मेरा जो रेसिपी है उसे ट्राई कीजिएगा, आई होप आपको जरूर पसंद आएगा, अगर आप खट्टा पसंद करते हैं तो। तो चलिए अभी मैं बनाती हूँ खाना, तो खाना में वही दाल भी बनाऊंगी और खट्टे में वो सब्जी और चावल, तो फिर मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए आप भी देखिए मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मूली और बड़ी की सब्जी। बड़ी में आप कोई भी बड़ी ले सकते हैं, जैसे कद्दू बड़ी, या फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ जिमीकंद का जो पोंगा बोलते हैं, ये उसी का बड़ी है, मतलब जिमीकंद का जो पेड़ निकलता है ये उसी का बड़ी बनता है, तो उसी को मैं खट्टे में बना रही हूँ। वैसे ये बड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, सभी बड़ी से ज़्यादा टेस्टी यही बड़ी होता है, तो इसी की सब्जी मैं खट्टे में बना रही हूँ। अब पोंगा बड़ी नहीं है तो उसके जगह कद्दू की बड़ी भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है मूली के साथ खट्टे में। तो सबसे पहले मैं बड़ी को हल्का सा भून के निकाल लेती हूँ और उसे पानी में डुबा देती हूँ, क्योंकि बड़ी को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर इसे थोड़ा सा पहले तेल में हल्का सा भून के इसे पानी में अगर हम डुबा देते हैं तो थोड़ा अच्छे से पक जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जब बड़ी सॉफ्ट होता है तभी उसका टेस्ट आता है। तो मैं अधिकतर ऐसे ही करती हूँ, कोई भी बड़ी बनाती हूँ तो उसे पहले मैं भून के निकाल लेती हूँ और उसके बाद उसे पानी में डुबा देती हूँ, और बाकी सब्जी जब तक भूनते रहता है वो पानी में डूबे रहता है, उसके बाद मैं ही उसे डालती हूँ, तो मेरा बड़ी जो है अच्छे से पक जाता है। तो देखिए पहले बड़ी को मैं इसमें थोड़ा सा भून लेती हूँ और भून के इसे निकाल लूँगी और थोड़ा सा पानी में डुबा के रख दूँगी, देखिए निकाल लेती हूँ। और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा सरसों और हींग डाल देते हैं और उसके बाद इसे हम थोड़ा सा भूनते हैं और इसमें कटा हुआ प्याज डाल देते हैं और कड़ी पत्ती और थोड़ा सा हरी मिर्च, ये सब डाल के हम पहले भून लेते हैं। अगर हरी मिर्च आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, मैं इसमें टुकड़े में काटी हूँ, कभी कभी हरी मिर्च को थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में मतलब 20 से चीरा बस लगा के डालती हूँ, खट्टे सब्जी में बहुत अच्छा लगता है। और हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, क्योंकि हल्दी पाउडर पहले डालने से कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी का। अब ये कटा हुआ मूली डाल दी हूँ, मूली को आप इस शेप में भी काट सकते हैं, चाहो तो गोल गोल भी काट सकते हैं। तो मैं जब भी अगर इसके साथ बनाती हूँ बड़ी के साथ, तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा लंबे लंबे टुकड़ों में काटती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और जब भाटा के साथ बनाती हूँ तो मैं उसे गोल गोल काटती हूँ, तो मूली का अलग अलग ऐसे कटिंग कर लेती हूँ। अब इसे थोड़ी देर पकने देती हूँ।
मूली थोड़ा देर पकने के बाद इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। इसमें दो टमाटर मैं कटी हुई डाल रही हूँ, और टमाटर जल्दी पके उसके लिए थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल देती हूँ, और ये बाकी सूखे मसाले में सिर्फ हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप चाहो तो मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं हरी मिर्च डाली हूँ, तो मिर्ची पाउडर डालने से ज़्यादा तीखा हो जाएगा मेरे लिए ये, इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। और बाकी इसमें ज़्यादा जीरा पाउडर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, खट्टी सब्जी में सिर्फ हल्दी मिर्च और नमक और धनिया पाउडर ही यूज़ होता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, टमाटर के थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक अच्छे से इसे हम पकाते हैं। इसमें बड़ी को डाल देती हूँ, और इसमें जो पानी था बड़ी को जो डुबाई थी वो पानी को डाल देती हूँ, और ऊपर से और पानी डाल देती हूँ। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे ही सब्जी बना सकते हो बिना खट्टे का, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे टमाटर में ही। और अगर नहीं थोड़ा खट्टा चाहिए तो आप दही डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पर दही के साथ बना रही हूँ, तो थोड़ा सा दही या मही जो भी है आप डाल सकते हो। तो मैं दही में थोड़ा सा 1 चम्मच थोड़ा सा बेसन थोड़ा सा घोल के रख लेती हूँ, क्योंकि दही में हमेशा मुझे फटने का डर रहता है, कहीं सब्ज़ी में फट ना जाए, तो मैं हमेशा थोड़ा सा बेसन उसमें घोल लेती हूँ। तो दही में बेसन घोल लूँगी और थोड़ा सा इसे पकने देती हूँ। पहले पानी डाल दी हूँ बड़ी को, अच्छे से थोड़ा सा पकने देती हूँ, उसके बाद ही खट्टा डालेंगे, क्योंकि खट्टा डालने से फिर वो पकता नहीं है अच्छे से, तो थोड़ा सा पकने देते हैं पहले ही से।
देखिए सब्जी अच्छे से पक चुका है। इसमें अब मैं दही डाल देती हूँ, करीब 1 कप दही डाल रही हूँ। उसमें थोड़ा सा बेसन घोल ली हूँ और जितना ज़रूरत हो जैसे कि 1-2 कप इसमें हम पानी डाल देते हैं। अब उसके बाद इसे हम बॉयल एक 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 दो बॉयल आने तक पकाते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्टी सब्जी बनता है। अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहीं पर गैस को बंद कर सकते हो, जब आपका बड़ी अगर पक जाएगा उसके बाद, उसमें भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं दोनों प्रकार से ही बनाती हूँ। अगर दही जैसे दही नहीं खाना रहता तो मैं सिर्फ टमाटर में बनाती हूँ, मूली और बड़ी को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर दही होता है तो दही डाल के बनाती हूँ, मुझे दोनों में ही इसका टेस्ट पसंद है। तो अभी इसे हम बॉईल होने देते हैं और उसके बाद हम गैस बंद करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी लगता है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि गांव में अधिकतर खट्टा सब्जी बहुत पसंद किया जाता है, गांव में ज़्यादातर खट्टा बनता है, जैसे कढ़ी हो जाए कोई भी सब्जी को खट्टे में ही बनाया जाता है और भाजी बनाया जाता है। तो गांव का ये सब देसी सब्जी होता है जो कि गांव में बहुत हर घर में बनते रहता है। आप भी इस सादा सिंपल रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई होप आपको पसंद आएगा। तो आगे देखते रहिए मेरा वीडियो। खाना बन चुका है और अब आ गई हूँ मैं हॉल में। तो वो अभी जा रही हूँ कपड़े को देखने कि कपड़ा सूखा है कि नहीं, मैं काम कर रहा है, छुट्टी है तो। और कपड़े देखिए यहाँ सूखने के लिए डाल दी हूँ। पानी अभी तो नहीं गिर रहा लग रहा, थोड़ा बहुत 1-2 बूंद गिर रहा था लेकिन अभी नहीं गिरा है, तो अंदर नहीं की हूँ। ये देखिए हैंगर में ही डालती हूँ ज़्यादातर शर्ट वगैरह को, तो जल्दी से सूख जाता है। मेरे बेटे के लिए खाना निकाल दी हूँ, अभी अब वो खाएगा। ये कद्दू सॉरी बड़ी और ये मूली की सब्जी जो बनाई थी, और ये दाल है, चावल है। वो सलाद कभी खाता है कभी नहीं खाता है, तो बस वो इतना ही खाएगा, तो वही उसे देने जा रही हूँ अब। आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और ये वैसे ये संडे का ब्लॉग था तो मैं थोड़ा एडिट नहीं हुआ था, तो आज एडिट की हूँ तो इसलिए आज डाल रही हूँ। और कैसा लगा ज़रूर बताइए प्लीज़ फ्रेंड, सपोर्ट करते रहिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और हो सके तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड, जहाँ भी आप कर सकते हैं, जैसे इंस्टा है, व्हाट्सअप है या फेसबुक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे सारे काम हो चुके हैं, अब मैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ।